हेलो एवरीवन, इस स्टूडियो में देख लेते हैं एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 62.71 चल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक में ऑलमोस्ट 22% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 88 पे हाई लगाने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी हमने ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक सपोर्ट ले लेकर ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, मतलब सपोर्ट जोन टूट चुका है। अब यहाँ से फॉल होगा तो कहाँ तक होगा? देखिए दोस्तों, इमीडिएट सपोर्ट जोन नीचे की ओर बन चुका है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। अभी फिर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 59 पे ही सपोर्ट लेके आज के दिन ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये एक वैलिड सपोर्ट जोन रहेगा, यहाँ से बाउंसेस के चांसेस ज्यादा है। सपोर्ट के इमीडिएट नीचे सपोर्ट होने की वजह से स्टॉक में जो है हमें यहाँ पे बाउंस देखने को मिल रहा है, इसके चलते फर्दर और भी तेजी अपसाइड में हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस करता है तो 68 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 68 को भी ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो 72 से 73, फिर इसके बाद में और भी फर्दर अच्छा खासा तेजी स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको टेक्निकल चार्ट पे समझ में आ चुकी होगी, तो चलिए अब हम चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक में 27% के जो है रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी शानदार रिटर्न जो है एक साल में देखने को मिले। अभी हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक अंडर प्राइसड भी है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड बता रहा है, एंट्री आप ले सकते हो एज पर टिकर टेप वेबसाइट। अब बात कर लेते हैं नो रेड फ्लैग की। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टॉक में जब भी आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो नो रेड फ्लैग चेक कर कर ही उसमें एंट्री का प्लान करना है। अगर कोई स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। जैसे कि आप सभी को बताएं कंपनी का काम क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5441 CR का देखने को मिल जाता है। स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 एनालिस्ट 0% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़राब सलाह, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक में। आज के दिन में यहीं से 4.5% का बाउंस देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ से हमें ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल जाए। और अगर आप पहले से स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो ऊपर के लेवल से, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जल्दी स्टॉक में हमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने वीडियोज़ को वॉच नहीं किया तो वीडियोज़ को जरूर वॉच करिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।